हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं बॉलीवुड गपशप। आपके साथ मैं हूं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त काजो। टीवी का कॉन्ट्रोवर्शियल रियलिटी शो बिग बॉस 16 में कंटेस्टेंट्स अपनी जी जान लगाकर ट्रॉफी पाने की कोशिश कर रहे हैं। शो का 12वां हफ्ता चल रहा है, लेकिन बीते कुछ हफ्तों से घर में कोई भी इविक्शन नहीं हुआ है, जिस वजह से शो में नजर आ रहे कंटेस्टेंट से लेकर बाहर मौजूद फैंस तक हैरान हैं। लेकिन इविक्शन से जुड़ी एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है। दावा किया जा रहा है कि बिग बॉस 16 से इस हफ्ते अंकित गुप्ता बाहर हो गए हैं। इस एक खबर ने अंकित गुप्ता के फैंस को हैरान कर दिया है, जिसके बाद अब हर किसी का गुस्सा बिग बॉस के मेकर्स पर फूट रहा है। दरअसल बिग बॉस 16 में हर बार की तरह एलिमिनेशन टास्क तो हो रहा है, लेकिन कुछ समय से घर में कोई इलेक्शन नहीं हो रहा, इसी वजह से वोटिंग लाइंस भी बंद है। इस हफ्ते भी एलिमिनेशन टास्क के बाद वोटिंग लाइंस नहीं खोली गई, जिसकी वजह से माना गया कि शो से कोई भी कंटेस्टेंट बेघर नहीं होने वाला। लेकिन अब बिग बॉस के एक फैन पेज ने दावा किया कि अंकित गुप्ता शो से बेघर हो गए हैं। इस इविक्शन ने घर वालों के होश उड़ाकर रख दिए हैं। हालांकि अंकित शो से बाहर घर वालों के फैसले की वजह से ही हुए हैं। सलमान खान ने सभी घर वालों से सवाल किया कि बिग बॉस 16 में सबसे कम कॉन्ट्रीब्यूशन किसका है। इस सवाल पर हर किसी ने अंकित गुप्ता का नाम ले लिया, जिसके बाद यही होना था, अंकित गुप्ता घर से बेघर हो गए हैं। बी टाउन में इन दिनों बर्थडे पार्टियों का सेलिब्रेशन जोरों पर है। हाल ही में स्टाइलिश मोहित रॉय ने अपने बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए बॉलीवुड हस्तियों के लिए ग्रैंड पार्टी का आयोजन किया। इस पार्टी में नोटबुक और डबल एक्सल जैसी फिल्मों में नजर आ चुके एक्टर जहीर इकबाल समेत बॉलीवुड के कई जाने माने सितारों ने शिरकत की। हालांकि इस बर्थडे पार्टी में सबकी निगाहें जहीर की रूमर गर्लफ्रेंड और एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा पर टिकी थी। सोनाक्षी सिन्हा ब्लैक कलर के शॉर्ट आउटफिट में इस पार्टी में शामिल हुई। वहीं मोहित रॉय की बर्थडे पार्टी में एक्टर जहीर इकबाल ब्लैक कलर के आउटफिट में नजर आए। इस दौरान उन्होंने ब्लैक कलर की शर्ट और पैंट पहनी थी, जिसमें वो बेहद हैंडसम लग रहे थे। इस पार्टी में एक्ट्रेस मौनी रॉय ने वन शोल्डर शॉर्ट आउटफिट में शिरकत की। इस तस्वीर में मौनी पैक्स को फ्लाइंग किस देती नजर आ रही है। बता दें कि मोहित रॉय की बर्थडे पार्टी में एक्ट्रेस मौनी रॉय अपने पति सूरज नामबियार संग पहुंची थी। इस तस्वीर में मौनी और सूरज रोमांटिक पोज देते नजर आ रहे हैं। वहीं पार्टी में एक्ट्रेस दिशा पाटनी ने भी शिरकत की। जहीर इकबाल के बर्थडे बैश के लिए दिशा ने हाई स्लिट गाउन पहना था। इस लुक में दिशा कहर ढा रही थी। इंडियन आइडल कंटेस्टेंट की गायकी सुनने के बाद आप भी यही कहेंगे, वो सिंगर जिसकी सिंगिंग ने बड़े बड़े स्लैब्स को उनका मुरीद बना दिया, अब उनकी किस्मत बदलने वाली है। यहाँ बात हो रही है इंडियन आइडल 13 के मोस्ट ट्रेंडिंग सिंगर ऋषि सिंह की। दरअसल इंडियन आइडल का नया प्रोमो सामने आया है, जिसमें ऋषि की आवाज का जादू सुनने के बाद फिल्म मेकर अब्बास मस्तान ने उन्हें अपनी फिल्म में साइन कर लिया। शो में ऋषि सिंह ने फिल्म रेस का एवरग्रीन हिट गाना पहली नजर गाया। बस फिर क्या था, अब्बास मस्तान ने ऋषि को अपनी फिल्म के लिए साइन कर लिया। वाकई में ऋषि की इस धमाकेदार परफॉर्मेंस ने समा ही बांध दिया। प्रोमो में दिखाया गया है, जैसे ही ऋषि गाना शुरू करते हैं, हिमेश रेशमिया हूटिंग करने लगते हैं, विशाल डडलानी उन्हें चेयर अप करते हैं, वहां मौजूदा बाकी कंटेस्टेंट्स झूमते दिखे। अब्बास मस्तान ऋषि सिंह की जादुई सिंगिंग को काफी एंजॉय करते हैं। फिर फिल्म मेकर स्टेज पर आते हैं और कहते हैं, हम लोग एक पिक्चर के लिए साइन करते हैं। वाकई ऋषि सिंह को ये बड़ा ऑफर देकर वो सिंगर को गले से लगा लेते हैं। प्रोमो वीडियो देखने के बाद फैंस ऋषि के लिए काफी खुश है। रोहित शेट्टी और रणवीर सिंह की फिल्म सर्कस सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। फिल्म को दर्शकों का मिला जुला रिस्पॉन्स मिल रहा है। फिल्म संजीव कुमार की अंगूर से इंस्पायर बताई जा रही है। यही प्लॉट कुछ दर्शकों को पसंद आया, वहीं कुछ ऑडियंस फिल्म से बुरी तरह निराश है और अपना पैसा वापस मांग रही है। वहीं जैकलिन फर्नांडीज ने खुलासा किया कि सर्कस के पहले दिन शूटिंग पर उन्होंने को एक्टर वरुण शर्मा और रणवीर सिंह को असली में थप्पड़ जड़ दिया था। एक्ट्रेस ने कहा कि वे इतनी नर्वस थी कि उन्होंने एक्टिंग में थप्पड़ लगाने की बजाय रियल में चाटा रसीद कर दिया। आपको बता दें कि साल 2022 की आखिरी बॉलीवुड फिल्म आज रिलीज हो रही है। साल की पहली बड़ी रिलीज संजय लीला भंसाली और आलिया भट्ट की गंगूबाई काठियावाड़ा थी। तो ऐसी मजेदार चटपटी खबरों के लिए आप देखते रहिए बॉलीवुड गपशप।